नमस्ते इंडिया। आंखें हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसलिए उसका ख्याल रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मगर आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर बीतता है, यानी कि लैपटॉप्स, मोबाइल और टीवी वगैरह में हम ज़्यादा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस स्क्रीन पर से निकलने वाली ब्लू लाइट्स आपकी आँखों की रोशनी को कम बना देता है, यानी कि आँखों की रोशनी को कम कर देता है। देखिए, वैसे तो अगर आपकी आंखों की रोशनी कम होने वाली होती है, यानी कि आपकी नज़र कमज़ोर होती है, तो आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि आपको आंखों में से पानी आ सकता है, जलन हो सकती है, आंखों में तेज़ दर्द हो सकता है, आंख के साथ साथ आपको सिर में भी दर्द होता है, कोई भी चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आँखों पर दबाव देना पड़ता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण अपने अंदर फील होता हो तो अपने आंखों का चेकअप एक बार ज़रूर कराएं, ताकि आपको पता पड़ सके कि आपको चश्मे तो नहीं आने वाले हैं, आपकी नज़र तो कमज़ोर नहीं हो गई है। इसलिए इस तरह के लक्षण दिखने पर आपको अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, वैसे तो आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जिससे कि आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कुछ हेल्दी चीज़ें खाकर आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो। ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है जिससे कि आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतर वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। बादाम और शकरकंद, यानी कि जो स्वीट पोटैटोज होता है, ये दोनों ही आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप बादाम और जो स्वीट पोटैटोज है, इसके इन दोनों के ही अंदर विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप सुबह में खाली पेट आप भिगोई हुई बादाम आप खा सकते हो। बादाम को भिगोना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको न्यूट्रिशन और भी ज़्यादा मिल सकते हैं और अच्छी तरह से मिल सकते हैं। वैसे तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि बादाम को आप जब भिगोकर खाते हो तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे आपको दुगने न्यूट्रिशन मिलते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर फुल वीडियो आप डिटेल्स में देख सकते हो। देखिए, आपको खाली पेट बादाम इसलिए खानी है कि जब आप खाली पेट बादाम खाते हो तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं और आँखों की रोशनी को बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। फिर आप शाम को स्वीट पोटैटोस को, यानी कि शकरकंद को बॉईल करके खा सकते हो। इस तरह आप इन दोनों ही चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। फिर जो खट्टे फल होते हैं, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी आपकी आँखों की रोशनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप संतरा खा सकते हो। और जो गाजर है, गाजर आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, और बेशक आपको ये बात ज़रूर पता होगी, गाजर खाकर भी आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो, आप अपनी आँखों को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हो। गाजर और संतरे का आप सूप, आई मीन जो जूस होता है वो आप पी सकते हो, या तो फिर कच्चा गाजर भी खा सकते हो, आप संतरा खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करेगी। पालक भी काफ़ी ज़्यादा अब पूरी ओवरऑल बॉडी को हेल्थ देती है। इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशन जैसे कि आयरन, जिंक, विटामिन ई, विटामिन ए और फॉलिक एसिड, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट देते हैं। साथ ही में आपकी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो आप हफ्ते में एक बार पालक ज़रूर खाएं। इसमें आप इसकी सब्जी खा सकते हो, इसका सूप बनाकर पी सकते हो, उसको सैलड वगैरह में, जूस वगैरह पी सकते हो। और जो आखिरी चीज़ होती है मेथी, मेथी भी आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मेथी का आपने क्या करना है, रात को जब आप सोते हो तो आपको मेथी के कुछ दाने पानी के अंदर भिगोकर ऐसे ही रख देना है। फिर सुबह में आप खाली पेट इस पानी को छानकर पी सकते हो। ये पानी पीने से भी आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाई जा सकती है, साथ ही में आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। या तो फिर आप अपने खाने में मेथी को ऐड कर सकते हो, मेथी की सब्जी खा सकते हो। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करके आप अपनी आँखों की रोशनी को नेचुरली बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।